हेलो गाइस, कैम छो बदास। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बजे अभी 9:30, और देखो अभी मम्मी जी तो कर रहे हैं, बर्तन बाज रहे हैं, नाश्ता बस्ता कर लिया है। और इस बार तो देखो हमारा छोटे से जामुन है ना घर के आंगन में, उसको भी जामुन लग गए हैं। मॉर्निंग में मम्मी तो देखने लगे सुमी का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। और देखो मनु भी आ गए हैं, तो अभी हम निकलते हैं घर से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, तो काफ़ी दिनों के बाद मनु हमारे व्लॉग में आया है। और अभी तो 10 दिन के लिए मनु हमारे व्लॉग में होगा, क्योंकि इस बार जाने वाले साथ में दोनों भाई। तो चलिए मिलते हैं विष्णुगढ़ जाके, क्योंकि थोड़ी बहुत जो खरीदी करनी है, शॉपिंग करनी है, वो कर लेंगे। और उसके बाद कल निकलने वाले वापस सुमी के यहाँ मई सागर। विक्रम भाई आ गए हैं। और अब तो विक्रम जो व्लॉग बनाते हैं ना, उसमें गीत गाते हैं और उसके बाद व्लॉग बनाते हैं, तो बढ़िया बंदा है। तो आप विक्रम भाई के व्लॉग ना देखते हो ना, तो देखिएगा। जो बात बालक गुजराती बोल बोलू पड़ा ना, स्थान आप जो जो आप गीत होता है देसी बता हेतन में बेतन ऑन से लेना हेतन ठोठान ले लिया डोडा तो अभी हम पहुंच चुके हैं विष्णुगढ़ मार्केट में। और आज थोड़ा बहुत जो खरीदी करना है ना, उसमें यह है कि जेंट्स पर वो सब कुछ वहाँ पंचमहल मिलता नहीं है, तो वो सब कुछ लेना है। और मम्मी उनके लिए थोड़े आंवले लेते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत सारे खाए, पर आज मम्मी उनके लिए लेना है। तो जो कुछ ज़्यादा है तो फटाफट कर लेंगे खरीदी, और उसके बाद निकल जाएंगे घर, क्योंकि आज थोड़ी बारिश की भी आगाही है। तो अभी खरीदी करने के बाद अपने भाई को मिलने आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें याद कर रहा था, कॉल कर रहा था कि भाई जब भी घर आए ना तो हमें मिलना। हमारा सब्सक्राइबर भी है, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर, मोटो दैनिक जागरण बहुत बड़ा, रोज यार वीडियो जो यार मैं तो खाचू नव नव बताओ। ये हमारे खींच रहे हो, तारीफ नहीं कर रहा, रोज घर बताओ। यस, डेली मगर देख रहा है। तो अभी घर पे आ गए हैं, और घर पे आके देखा कर तो देखो मम्मी जी तो लग गए हैं, ये है गाय ने दूध नहीं निकाल रहे ठीक से। और आज तो मॉर्निंग से गए थे, और घूमते घूमते ऐसा हाल हो गया है ना भाई, अभी अभी आए हैं देखो। मम्मी जी से जैसे हमें बोल रहे हैं ना, ऐसे गाय से बात कर रहे हैं, डांट खा रही है गाय। ऐसा ही होता है, जो भी गाय पैसों का काम करता है ना, वो अपने गाय पैसों को ऐसे ही बात करते रहते हैं, जैसे वो भी किसी इंसानों को बात करते हैं ना ऐसे, देखो डांट रहे हैं। बारिश कुछ ज़्यादा गिरी है ना यहाँ, तो ऊपर जामुन भी पक गए हैं, तो मन में लड्डू फूटा और चढ़ेंगे इसके ऊपर। और मम्मी बोल रही है कि ये बारिश की कुछ आगाही है ना आज, बाबा जोड़ा की तूफान की, और हम थोड़ी मानने वाले हैं अभी ना ये तूफान, तो चढ़ जाते हैं ऊपर और मचा देते हैं जामुन के ऊपर तूफान, क्योंकि खाना तो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सुमी के यहाँ जाएंगे ना कल, तो वहाँ ये जामुन खाने को लिए नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ है नहीं, हमारे खुद का जामुन होगा ना तो हम खा पाएंगे। सो देखो जामुन तो मिल गए, ऊंचाई का आप ही हमारी है, जामु हमारा वाला है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, क्योंकि इसकी नीचे जो डारियाँ हैं ना वो नीचे नहीं है, सीधी ऊपर ही मिलती है सभी, यही से खाने लगेंगे, क्योंकि हवा कुछ तेज आ रही है आज, उस दिन चढ़े थे ना उस दिन थोड़े कम थे, और आज कुछ ज़्यादा ही हवा है। देखो कुछ होगा साइंस उसमें भी, तो जैसे ही बारिश का पानी टच होता है ना तुरंत पक जाते हैं, अभी बात तो कुछ ज़्यादा ही आए हैं जामुन। देखो काफ़ी सारे, और आज तो पिया कोई है नहीं इस नीचे पकड़ने वाला, वरना यहाँ से गिराते उस दिन जैसे गिराए थे ना ऐसे। तो देखो इतने तूफान के बीच पहुँच गए सीधे ऊपर,
उस दिन पहुंचे थे ना उतनी ऊंचाई है। देखो सामने हमारा घर दिख रहा है, सामने वो दिख रहा है ना वही वाला। तो परफेक्टली देखा जाए ना तो पूरे का पूरा दो मार की जो बिल्डिंग है ना उसके बराबर चढ़े हैं यहाँ पेड़ पे। और यहाँ का व्यू देखो, किया ज़्यादा रुकेंगे ना तो गिरने का चांस कुछ ज़्यादा है क्योंकि आज के दिन आ गया ये तूफान आने का। और ऐसे ही डालियाँ गिर रही हैं, ऐसे ही पेड़ गिर रहे हैं, पर हम यहाँ छड़े रहेंगे ना तो पेड़ के साथ हम भी गिर जाएंगे। तो चलिए फटाफट खाएंगे और उतर जाएंगे नीचे। ये देखो तो हवा कुछ ज़्यादा आ रही है तो अब तो नीचे ही जाना पड़ेगा क्योंकि अब ज़्यादा रुकेंगे ना तो हमारी खैर नहीं। गोलू गोलू देखो ये तो हमें मारने आ रहे हैं। और हमारा गोलू भी, और देखो इसके सिंग निकाले थे ना वो पूरे के पूरे ठीक हो गए। इसका पका नहीं है ना इसको मम्मी, सिंगड़े ठीक हो गए। तो वैसे तो उसको पानी लगा होता ना तो पकते, पर पानी लगा नहीं है, मम्मी ने थोड़ा संभाला है तो वो ठीक हो गया है। भैंस का दूध और इतने दिनों के बाद आज दिख रहा है हमारा टिंकू। देखो टिंकू को तो जब भी देखो कैमरा ही हाथ में लेना है, उसे खुद बनाना है व्लॉग। ले ले पड़े मूड, उसे खाने की चीज दिख रही है खाने लग रहा है भाई। सो अभी हो गई है काफ़ी शाम और देखो हमारे घर का रूटीन, शाम होती है तब ये खटिया लग जाती है सब। हमारे बिलनिया कल इतने बजे बने थे ना, रात के 11 बज गए थे बिलनिया खाते खाते, तो इसीलिए मम्मी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम तो सुमित दोनों भाई बहन बनाते हैं, मज़ा आता है। तो चलिए आज का व्लॉग कैसा लगा वो लाइक करिएगा और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।